After her successful European tour, Miss Nayantara, आप विलायत से आ रही हैं या कहीं और से? ये या तो आप जानती हैं या मैं जानता हूँ। बनाए जाइए पब्लिक को बेवकूफ। आइए। वीना थिएटर गई थी क्या? हाँ, तीन बार कोशिश की, तीनों बार कंबख्त ने बाहर निकाल दिया। अगर यूं हिम्मत हारोगे तो शिकार हाथ से निकल जाएगा। नयनतारा का शो शुरू होने से पहले तुम्हें विनेश थिएटर में दाखिल हो जाना चाहिए। तुम थिएटर संभालना और मैं घर। शिकार इस बार हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अगर तीर निशाने पर लग गया तो सारी जिंदगी मौज करूं। हाँ जानती हूँ, पर वो माने तब ना। एडवांस बुकिंग चालू है क्या? जी हाँ। तो काम बन गया। सुनो, वाह क्या तरकीब सोची, अब देखती हूँ कैसे नहीं मानता। बॉस, मालूम पड़ता अपने अच्छे दिन आ गए। बॉस क्या भीड़ है, बाहर एडवांस बुकिंग पर यह लंबी चौड़ी लाइन। शाबाश, एडवांस बुकिंग की लाइन, फाइन फाइन। मर गए, एक तो खुशखबरी लाके दी और ऊपर से फाइन। गधा कहीं का, कितनी लंबी लाइन है। लाइन फुटपट्टी नहीं थी, वरना माफ कराता। अबे चौगर, तेरा बाप तो टेलर मास्टर था, तेरी तो निगाहें फुटपट्टी होनी चाहिए। मगर बॉस, मेरा बाप जो था ना वो लेडीज टेलर था, और बाहर लाइन में आदमी आदमी है। मुझे हीरोइन बना दोगे तो औरतें भी आ जाएंगी। तू फिर आ गई, खंडाला घाट जैसा चेहरा हीरोइन बनेगी। चल भाग जा, चल। प्लीज आका साहब, एक बार चांस दे दीजिए, अगर मेरे रंबे संबे को देखकर पब्लिक अचंभे में ना जाए तो कहना। इम्पॉसिबल। अगर हीरोइन का चांस नहीं देते तो साइड हीरोइन ही बना दीजिए। अगेन इम्पॉसिबल। ये वीनस थिएटर है, कोई नौटंकी नहीं है। अबे तू बैठा मुंह क्या देख रहा था, कैमरा के बाहर निकाल। मिस ब्लैक एंड व्हाइट, लेफ्ट राइट। ऑल राइट, लेकिन याद रखिएगा साहब, अगर आपको भी दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा भी नाम टुनटुन तारा नहीं, ये सारी लाइन तोड़ कर रख दूंगी। एक नजर इधर भी हो आन बान वाले, हो एक नजर इधर भी हो आन बान वाले। एक तीर फेंक ताजा, एक तीर फेंक ताजा, बाकी कमान वाले। हो एक तीर फेंक ताजा, बाकी कमान वाले। कोई पुकारता है भर भर के आह तुझको, कोई पुकारता है भर भर के आह तुझको। इतना तो देखता जा, इतना तो देखता जा, अरे ओ गुमान वाले। इतना तो देखता जा, अरे ओ गुमान वाले। ओ एक तीर फेंकता जा, बाकी कमान वाले। Thank you.
में फिर रहे हैं, गलियों में फिर रहे हैं, नंगी सी जान वाले, गलियों में फिर रहे हैं, नंगी सी जान वाले। ओ एक तीर फेंक ताजा, बाकी कमान वाले। नहीं आया वकील का बस्ता, घर में बैठकर कांजी लगा रहा होगा एग्रीमेंट पर। वकील ना हुआ अपील हो गया, इंतजार करते रहो आएगा था। आता ही होगा बस, तो घबराने की क्या बात। क्या माल गाड़ी में बैठकर आ रहा है जो अब तक नहीं पहुंचा है? मैंने नैनतारा से वादा कर लिया था कि शो शुरू होने से पहले एग्रीमेंट दे दूंगा, अब दस्तखत कहां कराऊं अपने सर पर? इसीलिए तो आइडिया दिया था। क्या आइडिया दिया था? मुझे चांस दे दो, उसका नाम नैनतारा है और मेरा नाम टुंडल है, क्या फर्क है दोनों? जो रहो मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ। तरंग तरंग चिंतानी 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 चिंतानी, तेरी नानी मेरी नानी प्रीति एक ही घर बन, चिंतानी चिंतानी चिंतानी, जापानी ईरानी तुरानी खैराती विलायती देश सब नाच में नाच सकती हूँ, और मैं अच्छी भी मत कर सकती हूँ, और मैं हंस भी सकती हूँ, और मैं रो भी सकती हूँ बगैर गिली सीन के। बड़े मौके से आ गए आप। आई एम सॉरी वकील साहब, कहाँ जा रहे हैं? मैं तो बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। नैनतारा के एग्रीमेंट लाए? नैनतारा का एग्रीमेंट? आगा साहब, आपने ये तो बताया नहीं कि उसके बाप का, भाई का, शोहर का किसका नाम लिखूं एग्रीमेंट में। क्या पता है कहाँ रहती है? वकील साहब फीस भी मैं दूं, ज्योग्राफिया भी बताऊं सारे खानदान का। कोई बात नहीं, आइए मैं। आइए वकील साहब, आप कोई ऐसा कानून बता सकते हैं जिससे नैन तारा का डांस कैंसिल हो जाए, टुंडुन तारा का डांस चालू? आप इंजंक्शन ले लीजिए। जंक्शन? वो कहाँ मिलता है? लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों स्टेशन पे मिलता है, और वहाँ पहुँचने का टिकट मैं आपको दे दूंगा। वकील साहब ये रहा पता, जरा एग्रीमेंट जल्दी करके भेज दीजिएगा। बहुत अच्छा, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। सुनिए वकील साहब, वकील साहब आप जाइए, घबराओ नहीं, अगर मैं तुमको इस दुनिया में चांस नहीं दे सका तो उस दुनिया में जरूर दूंगा। नहीं नहीं, हमको उस दुनिया में चांस नहीं मांगता, इस दुनिया में मांगता। हाँ बोलो ना। आप फिर यहाँ गए, अब आपको क्या चाहिए? सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो वाकई इंग्लैंड से आ रही। वकील साहब बात सीधी सी है, इंग्लैंड का कोई गधा भी इंडिया में आ जाए तो जेंटलमैन समझा जाता है, ये तो मेरा पब्लिसिटी स्टंट है, क्या समझे? समझ गया, इसका मतलब ये है कि वो हिंदुस्तान के किसी शहर से आ रही है। जी हाँ, अब आप जाकर जल्दी से एग्रीमेंट बना लाइए। बहुत अच्छा। वकील साहब मेरी अपील का क्या हुआ बताइए ना वकील साहब, प्लीज। वाह, ऐसे वकील साहब इसको हीरोइन बना देंगे। किसका बटुआ है? किसी का भी है। अरे बताती हूँ। नहीं नहीं बताती है।
अरे अब तो नयनतारा के एग्रीमेंट पर दस्तखत भी हो गया है। तो क्या हुआ? नाम बदल दीजिए, नयनतारा से तैनतारा कर दीजिए। इसी हिसाब से मैं अपना नाम भी बदल लूंगी। और हाँ, अगर पब्लिक को नचाकर ना रख दिया तो कहना। अरे तू मेरे को तो नचा नहीं सकती, पब्लिक को क्या नचाएगी। Thank you.
कौन हो तुम? माला, एक्टिंग के शौक में पति का प्रेम और गृहस्थी का सुख ठुकरा कर चली। पति? कैसा पति? किसका पति? जी मेरे साथ। इस बदमाश को धक्के देकर बाहर निकाल दो। बदमाश? ए महाशय, निकलो बाहर, चलो। ए महाशय, जरा संभाल के हाथ लगाना, हम तुम्हारी मालकन का पति है। पति? पति? आपका पसंद तो मेम साहब आपका पसंद तो बंद करो ये बकवास। ये मेरा पति नहीं है, इसे धक्के देकर बाहर निकालो। अरे ऐसा मत कहो मेम साहब। याद रख, मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी, समझा? कोई बात नहीं, सीटू में तुम्हें वापस रख लूंगा। ये बात है, आई से गेट आउट। आई से गेट इन सीटू। आई से गेट आउट। आई से गेट इन। गेट आउट सीटू। गेट इन सीटू। गेट आउट सीटू। गेट इन आउट। भगवान के लिए मेम साहब, मेरा शक मत करो। से जल्दी पुलिस को बुला ला। जा पुलिस। जाओ बुला ला। मैं कहती हूँ अब भी वक्त है, चले जाओ यहाँ से, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। जेल की हवा? ठीक है, अभी आ जाएंगे तुम्हारे होश ठिकाने। आने दो पुलिस को। मेम साहब हवलदार साहब आ गए। हवलदार साहब, ये बदमाश जबरदस्ती मेरे मकान में घुस आया है, इसे मेहरबानी करके बाहर निकाल दीजिए। आप कौन हैं जी? मैं इनका पति। पति? नहीं, ये झूठ कहता है, ये मेरा कुछ नहीं लगता। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मेरे नौकरों से पूछ लीजिए। जिस वक्त हमारी शादी हुई थी उस वक्त की नौकर मौजूद नहीं थे। आप जरा चुप रहिए। मैम साहब की शादी हुई? बोलना। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैम साहब की शादी हुई या नहीं हुई? जी हाँ। व्हाट? आप तो ठहरी, तुम्हें कैसे पता? मैम साहब के कमरे में दोनों की फोटो लगी हुई है। फोटो? जी। तुम ला सकती? जी हाँ। जालसाजी है, इतना तो आप भी जानते होंगे कि दो तस्वीरों की एक तस्वीर बनाई जा सकती है। आज से 2 साल पहले रांची में हम दोनों की शादी हुई थी और वहीं ये तस्वीर खिंचवाई गई थी। ये सरासर झूठ है, न मैं कभी रांची के नीचे शादी की, न कभी खिंचवाई। हवलदार साहब, आप क्यों इस ढोंगी की बातों पर जा रहे हैं? भगवान के लिए इससे मेरा पीछा छुड़ाइए। ये कहती है कभी रांची नहीं गई, मेरी इनकी शादी भी नहीं हुई, तो फिर इनसे पूछे कि आज ठीक 2 साल पहले 26 सितंबर 1957 को ये कहां थी? सितंबर 1957 मैं कहां थी 2 साल पहले? दादा देखिए हवलदार, आखिर याद आ ही गया इन। चलिए अच्छा हुआ, घर ही में मियां बीवी का झगड़ा निमट गया। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। हवलदार साहब भगवान के इस बदमाश को यहाँ से ले जाइए। आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? देखिए मैम साहब, मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं,
आप ऐसा कीजिए कि पुलिस स्टेशन चलिए और वहां जाके अपना बयान दे दीजिए। पूरे दो साल का बयान, 1957 और 1958। हवलदार साहब दरअसल इनका कसूर नहीं, बेचारी की कुछ याददाश्त थी। नहीं नहीं, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, मेरी शादी नहीं हुई, नहीं हुई। अब जिससे चाहे पूछ लीजिए, मेरी शादी नहीं हुई। लेकिन किससे पूछूं? हाँ, पूछा भी जा सकता है अगर आप खुद ही बतला दें कि आप 57 और 58 में कहाँ थीं। बता दो डार्लिंग, कहाँ थीं? देखिए आप घबराइए नहीं, हम लोग आपके बंगले पर पूरी पूरी नजर रखेंगे और अगर साहब ने जरा भी मारपीट की तो इनको गिरफ्तार कर लेंगे। इसकी नौबत नहीं आएगी हवलदार साहब, मैं अपनी बीवी को बेहद प्यार करता हूं। आइए मैं आपको बाहर छोड़ो। चले जाओ यहां से, अगर भला चाहते हो तो चले जाओ यहां से। सच कहती हूं, गोली मार दूंगी। तुम्हें इतनी हिम्मत कहां? हिम्मत? मैं तुम्हारी घर अदा जानता हूं, गोलियां मैंने पहले ही निकाल दी थी। यू रफ, छोड़ छोड़ दो मेरा हाथ। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या चाहते हो मुझसे? बोलते क्यों नहीं, क्या चाहते हो मुझसे? तुम क्यों बार बार कह रही हो कि मैं तुम्हारा पति नहीं? तुम्हारे इस तरह कहने से मैं मान तो नहीं जाऊंगा। एक बार भाग कर चलिए, अब भाग कर कहां जाओगे? नहीं हवलदार साहब, ऐसा मालूम होता था जैसे आपकी बीवी का कोई गला घोट रहा है। अरे नहीं हवलदार साहब, दरअसल मैं और मेरी बीवी नए ड्रामे की रिहर्सल कर रहे थे। मेरी बीवी स्टार है ना। नमस्ते। नमस्ते जी। नहीं नहीं हवलदार साहब, ये सब झूठ है, ये रिहर्सल नहीं है, ये घोटा सच में मेरा गला घोट रहा। आप जाना नहीं हवलदार साहब, मैं अभी आती हूँ। आप घबराइए नहीं मैम साहब, हम आपके बंगले पर पूरी नजर रखेगा। अगर आपके साहब ने कुछ भी गड़बड़ किया ना तो हम उसका बिल कुछ। बदमाश मेरा पीछा कर रहा है, मुझे जान से मार डालना चाहता है। मैम साहब घबराइए नहीं, पुलिस आ रही है। टाइगर आपसे माफी चाहती हूँ, हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। मैं वो खिड़की भी बनवा दूंगी और ये फ्रेम भी। टाइगर गो। इतना दरवाजा मत खोलो, वो शैतान फिर आ गया होगा। वो किसका? यही है वो बदमाश जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। ये मुझे जान से मार डालना चाहता है वकील साहब, मुझे इससे बचाइए। ये सब झूठ है, पिस्तौल चला ही नहीं। आप इसे सुन कर देखिए, इसमें से बारूद की बू आती है। सुनिए। जी नहीं, लेकिन मैंने गोली चलने की आवाज जरूर सुनी। हवलदार साहब, मेरी बीवी की जान खतरे में है, मैं उन्हें घर ले जाना चाहता हूँ। बीवी? जी नहीं, ये झूठ बोलता है, मैं इसकी कुछ नहीं लगती। ये पिस्तौल किसका है? ये पिस्तौल भी मेरी बीवी का है। ये आपका है पिस्तौल? जी हाँ। इसका लाइसेंस? मेरे पास है। आप मुझे दिखा सकते हैं? जी हाँ। चलिए आइए। देखा, मालूम होता है ये कुत्ता आपकी बीवी को पहचानता है। आप भी इसे जानते हो? जी नहीं। अजीब बात है,
ये कुत्ता एक मालदार औरत का था जिसका मेरठ में खून हो गया। ऐसी आपने भी शायद अखबार में पढ़ा होगा। जी नहीं। वकील साहब, मालूम होता है आपने अभी तक शादी नहीं की। जी नहीं। इसीलिए नयनतारा की शादी की खबर सुनकर काफी मायूसी हुई आपको। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हो सकता है मेरा वहम। माफ कीजिए, इतनी बड़ी स्टार और इतनी खूबसूरत बीवी का पति शक्की मिजाज हो ही जाता है। आदाबर्स। ये रहा लाइसेंस। किसी ने आप पर गोलियां चलाई, आपको मारने की कोशिश की, उसकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखाइएगा। जी जी नहीं, मैं खामखा पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। अच्छा, गुड नाइट। सिटू, सिटू। जी। जल्दी से गाड़ी निकालो, इससे पहले कि वो गुंडा फिर से यहाँ जाए। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, जाओ जल्दी जाओ। जी मैम। शाह जी, जी मैंने उससे बहुत कहा लेकिन वो पुलिस स्टेशन आने के लिए तैयार ही नहीं होती। जी जी, बहुत अच्छा, मैं पूरी पूरी नजर रखूंगा बंगले पर, लेकिन आप जल्द से जल्द यहां आने की कोशिश कीजिए। जी मेहरबानी आपकी। जानती हुई तस्वीर किसकी? लेडी हीरामनी की है ना? टाइगर को भी जानती हूं। इंसान भूल जाता है लेकिन जानवर। इतने बरसों के बाद तुमसे मिला है और मिलते ही पहचान की। तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है लेडी हीरामनी का कुत्ता। मेम साहब, गाड़ी तैयार है। टिटू, मैंने ये तस्वीर पहले कभी इस घर में नहीं देखी। ये किसकी तस्वीर है? मैम साहब, ये तस्वीर तो वो आप नयनतारा, बगैर इजाजत अंदर आने की माफी चाहता हूँ। मैं वो तस्वीर लेने आया हूँ, मैंने हजाना लेने का इरादा बदल दिया। तो आप भी इस तस्वीर को पहचानते हैं? जी नहीं। मैं समझी, ये तस्वीर आपके घर से लाई गई है। नहीं मैम साहब, उस फोटो का तो ग्लास टूट गया था। ये रही आपकी तस्वीर। ये तस्वीर तो गालिबन आप ही की है ना? जी हाँ, ये तस्वीर मैंने जापान में खिंचवाई थी। उस वक्त मैं मूंछों का हिसाब हर रोज चुका दिया करता था। अच्छा, माफ कीजिएगा वकील साहब, मैं डरपोक मुवक्किलों की वकालत नहीं किया करता, माफ कीजिएगा। आप यहाँ से कोई चीज नहीं ले जा सकते इंस्पेक्टर साहब को ऑर्डर। वो ठीक है, मेरी तस्वीरें मैं ले जा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब तक इंस्पेक्टर साहब ना जाए आप यहाँ से कोई चीज नहीं ले जा सकते उनकी इजाजत बगैर। मैं जरूर ले जा सकता हूँ। नहीं ले जा सकते आप। नहीं ले जा सकते। आज जाओ, किसी सूरत में नहीं जा सकते। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तस्वीर कहाँ छुपा ली आपने? अभी तुम्हारे हाथ में थी। तुम्हारे हाथ में थी तो अंधेरे में तस्वीर कौन खा गया? मुझे क्या मालूम। तस्वीर दीजिए आप। ऑर्डर। क्या बात है साहब? ये वकील साहब हैं, अपना फोटो ले जा रहे थे, मैंने इन्हें रोका, इतने में बत्ती गुल फोटो गया। आपकी तारीफ। मेरा नाम विश्राम है, मैं वकील हूँ, पड़ोस के बंगले में रहता हूँ। टाइगर,
टाइगर, टाइगर, तुम टाइगर, ये कुत्ता भी आपका है? जी हाँ, मगर बड़ी अजीब बात है, मिस नैनतारा से ये कुत्ता बड़ा मानुष है, हालांकि इनसे आज ही मिला है। हो सकता है ये कुत्ता पहले इन्हीं के पास हो? जी नहीं, दरअसल ये कुत्ता मेरठ की एक मालदार औरत लेडी हीरामनी का था। लेडी हीरामनी? जी। जिनका खून 1957 में हो गया था और जिनके खूनी को पुलिस अभी तक तलाश कर रही है। आप कैसे जानते हैं सब कुछ? क्या आप भी 1957 में मेरठ में थे? जी नहीं, मुझे तो उस आदमी ने बताया जिससे ये कुत्ता खरीदा गया। ओह आई सी। अच्छा माफ फरमाइए। मिस नैनतारा, मिस नैनतारा, आप कहां थे 1957 में? जी जी हाँ, 1957। जी मैं 1957 में ये मेरे साथ रांची में थी, मैं इनका पति हूं। आप इनके पति? लेकिन इन्होंने तो हवालदार से कहा था कि आप इनके पति नहीं हैं। क्या हवालदार? जी हाँ, इन्होंने कहा कि ये साहब गुंडा है और जबरदस्ती बंगले में घुसाया है। मैंने मैम साहब से पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट लिखाने को कहा तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मेरी बीवी की याददाश्त कुछ कमजोर सी है, बेचारी अक्सर पुरानी बातें भूल जाती है। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो तो बता सकते हैं, इन पर गोली किसने चलाई, ये घर से भागी क्यों? बता दो ना डार्लिंग, बता दो किसने चलाई है गोली। जी जी, मेरा सर चकरा रहा है। अरे फिर से चकरा गया। सॉरी इंस्पेक्टर, फिर से चकराने का। डार्लिंग क्या हो जाता है तुम्हें बार बार? नैनतारा, नैनतारा, डार्लिंग, हमेशा की तरह आज भी मैं तुम्हें भूल गई थी, मुझे माफ कर दो। सॉरी डार्लिंग, बिछड़ कर मिलने में कितना मजा आता है। ये आपके पते हैं? जी हाँ। जी, मैंने बहुत तंग करती हूँ और ये मुझे हमेशा माफ कर देते हैं। इनका नाम? जी मेरा नाम है। प्लीज, मैं भला इनका नाम कैसे ले सकती? शर्माइए नहीं, इनका नाम बताइए। इनका नाम, इनका नाम मिस्टर मनोहर। जी हाँ मनोहर। रांची में काम क्या करते थे? काम, काम, इनकी दवाइयों की दुकान थी। जी हाँ, सॉरी, कौन से मोहल्ले में रहते थे? मोहल्ले, मोहल्ले, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा। हाँ याद आ गया, दरियागंज। जी हाँ दरियागंज। प्लीज मिस्टर मनोहर, मिसेस मनोहर, थोड़ी देर पहले आप पे किसी ने गोली चलाई थी ना? गोली? नहीं तो। डार्लिंग, इनकी याददाश्त भी मेरी तरह। ये बात नहीं डार्लिंग, दरअसल मियां बीवी राजी नहीं थे इसलिए काजी को बुलाना पड़ा। अब राजी हो गए हैं, इंस्पेक्टर साहब जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपके कदमों के सबके मेरी गृहस्थी की नाव को कनारा मिल गया। डार्लिंग, हमें इंस्पेक्टर साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने मेरी चांद सी बीवी को वापस दिला दिया। गुड नाइट मिस्टर मनोहर। गुड नाइट, मैं आपको बाहर छोड़ने चलता हूं इंस्पेक्टर साहब। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, क्या सोचने लगे, आइए ना। इंस्पेक्टर साहब, बड़ा मजा उस मिलाप में है, सुलह हो जाए जंगों का। आपको यकीन है कि मेरे जाने के बाद आप? जी बात यह है कि दरअसल उन्हें मालूम हो गया है कि बात पुलिस तक पहुंच चुकी है और पुलिस से जरा वो कुछ घबराती है। क्यों? जी जी, पुलिस से कौन नहीं घबराता इंस्पेक्टर साहब, मसले लेकिन मैं भी पुलिस से बहुत घबराता हूँ। और माफ कीजिए, अगर आप पुलिस में न होते तो आप भी। ओके मिस्टर मनोहर। ओके इंस्पेक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। मुझे पैसा चाहिए, ये ले और छोड़ मेरा पीछा। इतनी खूबसूरत बीवी
और इतनी कम कीमत। तो पूरा चेक ले। मेरे दिल की चेकबुक पर अगर तुम छोटा सा हिंसा लिख दो तो भगवान कसम अभी चला जाऊं। ओह, इस घर में तू रहेगा या तुम मैं? खबरदार, अगर बाहर जाने की कोशिश की। वो तो जाते जाते हमसे खफा हो गए, हम भी बैठे बैठे उन पे फिदा हो गए। वो तो जाते जाते हमसे खफा हो गए, हम भी बैठे बैठे उन पे फिदा हो गए। यूं ही राहों में उनकी बाहों को जब हम लगे थामने, लहराए से बल खाए से वो रुके मेरे सामने। यूं ही राहों में उनकी बाहों को जब हम लगे थामने, लहराए से बल खाए से वो रुके मेरे सामने। फिर भी रुकते रुकते वो तो हवा हो गए, हम भी बैठे बैठे उन पे फिदा हो गए। वो तो जाते जाते हमसे खफा हो गए, हम भी बैठे बैठे उन पे फिदा हो गए। आँखों आँखों में बातों बातों में मैंने छेड़ी जो रागनी, ये ना पूछिए कैसे रूठी है गोरे मुखड़े की चांदनी। आँखों आँखों में बातों बातों में मैंने छेड़ी जो रागनी, ये ना पूछिए कैसे रूठी है गोरे मुखड़े की चांदनी। गेसु बिखरे बिखरे काली घटा हो गए, हम भी बैठे बैठे उन पे फिदा हो गए। वो तो जाते जाते हमसे खफा हो गए, हम भी बैठे बैठे उन पे फिदा हो गए। कैसा हंसना जी कैसा मिलना जी, नहीं पूछा मिजाज भी। दिल भी है वो ही हम भी हैं वो ही जिनके लिए आज भी। कैसा हंसना जी कैसा मिलना जी, नहीं पूछा मिजाज भी। दिल भी है वो ही हम भी हैं वो ही जिनके लिए आज भी। वो ही मिलते मिलते हमसे जुदा हो गए, हम भी बैठे बैठे उन पे फिदा हो गए। वो तो जाते जाते हमसे खफा हो गए, हम भी बैठे बैठे उन पे फिदा हो गए। थैंक यू मिस्टर विश्राम, मैं सब समझ गया। अगर ये वही लड़की है तो मैं उसे जरूर गिरफ्तार कर लूंगा, सिर्फ मुझे रांची पुलिस से पूछ लेने दीजिए। बाय। कमाने घड़ी में पति बना लेती है, घड़ी में कैंसिल कर देती है। मुझे तो सब गड़बड़ घोटाला नजर आता है। और मुझे अलीगढ़ का ताला नजर आता है, बीबी जी के खोले खुलेगा नहीं। जो ही तरस खा गई तुम्हारे साहब पर,
मैं बीबी जी की जगह पे होती तो धक्के मार कर बाहर निकल देती। और अगर मैं बीबी जी की जगह होती तो निगाहें झुका कर थोड़ा शर्मा कर होंठ चबा कर कहती, ओह डियर कमनी है, आई एम हियर, हियर का बच्चा। अरे 100 बार कहा डार्लिंग, हियर का नहीं टॉप, हियर का बच्चा हूँ। मेरे पिताजी को मोहल्ले वाले इसी नाम से पुकारते थे। झूठा कहीं का, जब देखो झगड़ती रहती है। अरे कभी तो प्यार किया कर। प्यार करती है मेरी जूती। हाँ ऐसा तो करती है, है रोज सुबह पॉलिश तो करता हूँ। बेशर्म। अरे भली लोग, हमें पति पत्नी के झगड़े में पड़ने की क्या जरूरत है, वो लड़ा करें रूठा करें हमें क्या है। बस एक बार अपनी आँखों की लिफ्ट में बिठा कर दिल के ग्राउंड फ्लोर पे उतार दे है, मैं खुश हो जाऊँ। ये बात है। हाँ। अच्छा तो बैठो। हाँ, बैठ गया। आंखें बंद कर लो। कर ली कर ली। अच्छा ये लो। अरे रखे। रेखा स्टूडियो बंबई, और आप फरमा रहे थे वकील साहब कि ये तस्वीर आपने जापान में खिंचवाई है, आखिर आप ये मुझसे छिपा क्यों रहे थे, इसमें राज क्या है? इन फाइलों से तो यही पता चलता है कि वाकई एक नौजवान लड़की ने लेडी हीरामणि का खून किया और भाग गई। लेकिन कुलकर्णी, बड़ी अजीब बात है, मरने वाले की वसीयत के मुताबिक उसकी सारी जायदाद उस लड़की को मिलने वाली थी, फिर उसने खून किया तो क्यों? हो सकता है कत्ल के वक्त उस लड़की को उस वसीयत के मुताबिक कुछ इल्मी ना हो। कहीं मिस्टर विश्राम का अंदाजा सही तो नहीं? जी आप बता सकते हैं ये फाइलें यहाँ मेरठ से बंबई क्यों भेजी गई? उस लड़की की माँ बॉम्बे में है, कत्ल के वक्त से ही पुलिस की निगाहें उस पर है, उनका यह ख्याल है कि एक न एक दिन वो अपनी माँ से मिलने जरूर आए। आप मुझे उनका पता बता सकते हैं? जी हाँ, मैं अभी इंक्वायरी करता हूँ। प्लीज। हेलो रांची पुलिस, यस दिस इज बॉम्बे पुलिस कॉलिंग। जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर जगदीश बोल रहा हूँ। जी हम मिस्टर मनोहर नाम के एक आदमी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जी हाँ, 1957 में वो दरियागंज मोहल्ले में दवाइयों की दुकान करते थे।
डार्लिंग, तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि लोग बचपन में मुझे शेर कहा करते थे। नहीं नहीं, सर्कस से एक शेर छूट गया है, मालूम होता है यही कहीं घूम रहा है। सर्कस से छूट गया है, यही कहीं घूम रहा है। अच्छा, मैं उसको अभी ठीक किया जाता हूँ। अरे आओ मेरे साथ डार्लिंग। डर लगता है। ओहो, तुम नहीं जानती हो, शेर की यही फितरत है, जब उसे ये मालूम होता है कि सामने वाला डर रहा है तो उसमें हमला कर देता है। तुम डर गई? अच्छा, तुम ऐसा करो कि उसको अपने पास रखो, जब शेर मुंह खोल कर तुम्हारे पास झपटे तो उसके मुंह में दे देना है, और मैं उसको अभी आराम करता हूँ। अरे हाँ डार्लिंग, अगर वो इत्तेफाक से इधर से आए ना तो तुम उसको साथ लगे मेरे पास आ जाना। ओह, मेरा मतलब है कि तुम चली आना, वो पीछे भी जाएगा, शेर का बच्चा कहीं का। मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम भी चल रही हो? कोई बात नहीं डार्लिंग, तुम दोनों मिलकर उसको मारेंगे। आ जाओ, आ जाओ। मैं नहीं मानूंगी। अरे आओ ना मेरे साथ आओ। आप डर गए? नहीं मैं डरा नहीं, बात ये है कि मैं अपने लिए डरा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सोच रहा था कि वो शेर जो होता है ना, वो लड़की देख के एकदम भाग जाता है। तो तुम ऐसा करो कि तुम यहीं खड़े रहो, मैं उसको अकेला नहीं मत खाता हूँ। अभी जा, तुम यहीं खड़े रहो। भाग्या डाली, भाग्या, भाग्या। मैं भगा नहीं, 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 अरे मेरी बात सुनो, अरे अरे भाग्या, अरे भाग्या, मेरी बात सुनो, मैं तारा जी, मैं तारा जी, ओ बाप, अरे मार डाला मुझको तो। और वो शेर सीधा बंगले में घुसाया। अरे कम वक्त की जरूरत तो देखोगे, इनसे मुलाकात करना चाहता था, मगर सीटू इन्होंने भी वो कसके तमाचा मारा है, वो कसके तमाचा मारा है कि कम्बक दुम दबा के भागा। मेम साहब आपने भी कमाल कर दिया। बंद करो बकवास। अरे नंदारा जी, मैंने कहा डाली चाय तो पीती जाओ। ओहो, देखो बात ये है कि नौकरों के सामने इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे सीटू रखी, देखो मेम साहब रूठ के जा रही है, जल्दी आओ। सुनिए तो जरा, कहाँ रूठ के चले, यूं बात बढ़ाया नहीं करते। सुनिए तो जरा। हाँ मैम साहब। जी मैम साहब। सुनिए तो जरा, कहाँ रूठ के चले, यूं बात बढ़ाया नहीं करते। जिस दिल में सनम तस्वीर हो तेरी, उसको ठुकराया नहीं करते। सुनिए तो जरा। हाँ मैम साहब। जी मैम साहब। छोड़ो गुस्सा, संभालो जरा आंचल, देखो देखो उलझ गई पायल। छोड़ो गुस्सा, संभालो जरा आंचल, देखो देखो उलझ गई पायल। अजी हो के खफा यूं एकदम, उठ के जाया नहीं करते। सुनिए तो जरा, कहाँ रूठ के चले, यूं बात बढ़ाया नहीं करते। सुनिए तो जरा। हाँ मैम साहब। जी मैम साहब। जो ये टूटे तो कोई मुश्किल है, वो तो कहो के दिल मेरा दिल है। जो ये टूटे तो कोई मुश्किल है, वो तो कहो के दिल मेरा दिल है। अज दर्पण को यूं हरदम ठेस लगाया नहीं करते।
सुनिए तो जरा कहाँ रूठ के चले यूं बात बढ़ाया नहीं करते सुनिए तो जरा। हाँ मैम साहब। जी मैम साहब। कहा आओ तो तुम लगे जाने इस अदा के हम ही हैं दीवाने कहा आओ तो तुम लगे जाने इस अदा के हम ही हैं दीवाने अजी और को हम अपनी कसम यूं बुलाया नहीं करते सुनिए तो जरा कहाँ रूठ के चले यूं बात बढ़ाया नहीं करते जिस दिल में सनम तस्वीर हो तेरी उसको ठुकराया नहीं करते सुनिए तो जरा। हाँ मैम साहब। जी मैम साहब। चलता तो जरूर मैडम मगर मैं क्या करूँ मुझे नाचना वाचना नहीं आता अगर आप मुझे नाच सिखा दें तो जरूर चला चलो। आप नाच सीखकर क्या करेंगे नचाना जो जानते हैं। ओ, क्या बेढंगा शागिर्द मिला है ताल और सुर तो बिल्कुल समझता नहीं जब देखो जो तांडव नृत्य करता रहता कैसे बेशर्म आदमी से पाला पड़ा है। अभी पड़ा कहाँ है मैडम पढ़ने वाला है मगर देखिए आजकल बेशर्म होना भी बहुत बड़ी क्वालिटी है अगर मैं बेशर्म ना होता तो आपकी जगह मिलती मिलती। सुनी अब तो जगह मिल गई है ना। लगता तो है तो फिर खामोशी से पड़े रहिए खामखा मेरे मामला में दखल देने की कोशिश ना कीजिए। देखिए मैडम वो पति कुछ और तरह के होते होंगे जो घर में फर्नीचर के पीसेस की तरह या रेडियोग्राम की तरह या फ्रिजडेयर की तरह पड़े रहते हैं मैं तो और तरह का पति अगर मैं ले जाऊंगा तो आपको अपने साथ ले जाऊंगा मोटर में ड्राइव कर। देखिए अकेले जाना है तो वो रास्ता और अगर मेरे साथ चलना है तो वो खड़ी मोटर क्या कह आप तो बात बात बिगड़ जाती देखिए ना वो काम भी तो जरूरी है फिर सोच लीजिए। थैंक यू। माला किसी तरह भी आज मेरे साथ थिएटर आने को तैयार नहीं है। मैं उसे किसी सूरत पर भी अकेला नहीं छोड़ सकता मैंने फैसला किया है कि आज वो थिएटर नहीं आएगी तुम ऐसा करो तुम किसी तरह भी आज थिएटर का काम संभाल लो। हाँ यस ओके। हजारों साल जियो पति देव। किसका टेलीफोन था? पति देव का। पति देव? हाँ। तुम्हारी शादी हो गई तुमने हमें बुलाया तक नहीं उस पर चांस हमसे मांगती हो? रोमांस का चांस थोड़ा ही मांगती हूँ डांस का मांगती। छी 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 लाओ हमारे वो सब डायलॉग वापस कर दो जो हमने तुम्हें ये समझ कर दिया था कि तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई। वो डायलॉग मेरे पास ही रहने दो मेरी शादी नहीं हुई। झूठ बोलती चांस के लिए अगर शादी नहीं हुई तो ये पति देव कहाँ से आ गए? वो पति देव तो जरूर है मगर मेरे नहीं तुम्हारी हीरोइन नयनतारा के। नयनतारा? अरे कल तक तो उसका कोई नहीं था आज ये पति देव कहाँ से टपक पड़ा? आगा साहब पति देव के लिए कौन सी फैक्ट्री में ऑर्डर देना पड़ता है दिल के इस टाइम पर नजरों के दस्तखत हुए और पति देव मिल गया। तुम बड़ी वो हो। मैं बड़ी वो हूँ। वो 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 हाँ मैं बड़ी वो हूँ। शरीर कहेगी भाग गई दिल के कुएं में पत्थर फेंक कर लहरें पैदा कर देती है मगर मैं क्या करूं चांस फिर भी नहीं दे सकता। कौन है? मैं हूं आगा खंजर जी। क्या है आप तैयार हो गई ना? मैं अभी आती हूँ। ऑडियंस आपका थिएटर में इंतजार कर रही है जल्दी आइएगा। नजर इधर भी ओ आन बान वाले हो एक नजर इधर भी ओ आन बान वाले एक तीर को तो ताजा एक तीर को तो ताजा
गजब हो गया बहुत। हमें क्या हुआ कल आओ तो भाइयों बहनों बल्ले अंदर आ रही है। बात यह है कि उसके तो मोटर में हवा कम हो गई थी, जब वो भरने लगी ज्यादा हो गई ज्यादा हो गई कम हो गई। अरे मैं 15 मिनट में जा रहा हूँ। सीतू अबे ओ सीतू सीतू जी सरकार कहाँ है मिस नैन तारा? अंदर है सरकार अंदर है। जैसे हमने पैसा अंदर रहने के लिए दिया था, अबे हमने एग्रीमेंट किया था जेल भेजवा दूंगा। आका साहब आका साहब अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अबे सीतू मैं पब्लिक की जूतियां खा के आ रहा हूँ, इस वक्त मेरा मूड खराब है। हट जा। आका साहब मैं मजबूर हूँ, उनके पति का ऑर्डर है। अच्छा तो पति देव ने अब तक नहीं आने दिया, कहाँ है वो? मैं उस पर भी केस कर दूंगा। मियाँ बीवी दोनों की कुर्ती ने करा दी तो आगा खंजर नाम नहीं। सीतू ये गुंडा कौन है? गुंडा? हाँ अजी ये उनके पति हैं। पति? हाँ पति। आदाबर हुजूर बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। वाह 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 क्या जोड़ी मिला ये। सरकार अगर आप हुक्म दें तो मैं अखबार वालों से कहकर आप दोनों की तस्वीर निकलवा लूं और पब्लिक से कर कर सरकार आपके गले में गुले बनफ्शा का हार डलवा दूं। क्या ख्याल है? मगर आगा साहब जी आप तो अभी फरमा रहे थे कि आप मुझ पे कुछ केस करने वाले हैं। जी हाँ वो तो था जी। नहीं नहीं हुजूर वो तो हुजूर वो अगले नाटक का सीन सोच रहा था। आप इतने नेक इतने हैंडसम, भला मैं ऐसी गुस्ताखी कर सकता हूँ? और फिर आप तो मेरी हीरोइन के पति हैं, जब हीरोइन के पति हैं तो मेरे भी पति हैं। देखिए आगा साहब मैंने आपको फोन कर दिया था कि नैन तारा अब डांस नहीं करेगा। अच्छा खतरनाक कीजिए सरकार, मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा सरकार। लोग कुर्सी तोड़ डालेंगे, थिएटर में आग लगा दी गई तो घर का सीन बदल जाएगा। और बेगम ओह अगर बेगम को मालूम होगा कि खाली हाथ आया है तो जूता लेकर शुरू हो जाएगी हुजूर और कहेगी अरे मुआ भान का धंधा छोड़कर दर्जी की दुकान क्यों नहीं खोल लेता, कम से कम बहकों के ब्लाउज तो पहनने को मिलेंगे। और बच्चे बच्चे नाक में दम कर देंगे हुजूर। एक थरमास मांगेगा, दूसरा कंपास मांगेगा, तीसरा खशखाश मांगेगा, चौथा सिनेमा का पास मांगेगा, पांचवी सारी मांगेगी, छठी साहब आपने तो सीन में अच्छी खासी फैमिली अपील पैदा कर दी। जी हाँ माशाल्लाह आपके बच्चे कितने हैं? 13 हुजूर। 13 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर 6 मेरे हैं, 7 बेगम जहेज में लेकर आई थी। और सरकार मैं अपनी बीवी का दूसरा खाविंद हूँ। आगा साहब तब तो आपकी हालत काफी काबिल रहम है। जी हाँ वो तो है हुजूर। अच्छा हमने एक बात सोची है। फरमाइए। आज नयन तारा के साथ हम भी थिएटर चलें। जरूर चलिए हुजूर, ये तो खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको देखेंगे कभी थिएटर को देखेंगे, कभी आपको देखेंगे कभी थिएटर को देखेंगे। हुजूर अब जल्दी कीजिए ना। बस अब चलते ही आ रहे सीटू। देखो गाड़ी निकालो और मैं जरा कपड़े वगैरह बदल लूं। तो जल्दी बदल लीजिए। जल्दी बदलता हूँ हुजूर। ये गला खुश। हाँ श्योर श्योर आगा साहब ये लीजिए।
दिल के लगाने वाले बॉम्बे पुलिस कॉलिंग। मैं इंस्पेक्टर जगदीश बोल रहा हूं। क्या कहा? दरियागंज नाम का कोई मोहल्ला नहीं रांची में जी? सारे शहर में मनोहर नाम का कोई आदमी दवाइयों का धंधा नहीं करता? दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। कमाल है, दोनों झूठ बोल रहे थे। स्मार्ट चैप्स। आओ ना डार्लिंग, कितनी देर हो गई है। ओ, ओ, तुम्हें मनाने के लिए न जाने क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। तुम्हारी वजह से बटलर बना हुआ। आओ आओ डार्लिंग, तुम्हारे लिए मैंने खास सूप बनाया है। एक किचन में जितने भी विटामिन थे ना, इधर से उधर से खुरच खुरच कर मैंने सूप में डाल दिए। स्पेशल सूप। साहब ने मेरे सामने इसबगोल की धनिया की पुदीने की रसमलाई की कोफ्तों की चाशनी मिलाई। ओ यू शट अप, चाशनी नहीं सूप था, सूप था। जी मैम साहब, मैंने भी देखा था। टाइगर! अरे अरे, वो टाइगर के बच्चे कमबख्त में सारा सूप तो जना कर दिया। सारी मेहनत तो पानी फेर दिया। अरे तुम कहाँ जा रही हो डार्लिंग, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए सब कुछ खाना वाना बनाया था मैंने। मैं दोबारा तुम्हारे लिए खाना बना के लाता हूँ। देखिए टाइगर को क्या हो गया, तड़प रहा है। टाइगर जल्दी आइए मैम साहब। मैम साहब, कुत्ता तो मर गया। मगर कैसे मर गया? खाने में शहद डाल दिया था। नहीं नहीं, इसलिए खाने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। तुम मुझे मार डालना चाहते थे। नंदारा, माला, माला। मेरा तो कलेजा कांप रहा है। बीबी जी खाना खा लेती तो क्या होता? साहब ऐसा लगता तो नहीं था। शुक्र है बीबी जी की जान बच गई। क्या हुआ मिस नंदारा को? बोलते क्यों नहीं, जवाब दो। क्या हुआ मिस नंदारा को? वो साफ सी ना, चुप रह रखी की बच्ची। मुझे गाली देता है। क्यों मुझे गाली देता है? क्या किया साहब ने? इंस्पेक्टर साहब, वो साफ थी ना, वो बीबी जी को खाने में जहर देना चाहता था। जहर? जी हाँ साहब, उनको जबरदस्ती खाना खिलाना चाहता था। बीबी जी ने हाथ मार के खाना गिरा दिया, कुत्ते ने खाया और वो मर गया। कुत्ते ने खाया और वो मर गया? मिस नैनतारा कहाँ है? वो तो डर के मारे भाग गई। डर के मारे भाग गई? और साहब? साहब भी उनके पीछे भागा। तुम बता सकते हो वो लोग कहाँ गए? वो तो हमें नहीं मालूम। आई सी। डॉक्टर की बच्ची, तू जरूर कोई मुसीबत खड़ी करेगी। ये मुसीबत तेरे साहब ने पैदा की है। बड़ा आया हिमायती साहब का, मुझे तो बीबी जी पर तरस आ रहा है। Thank you.
क्या हुआ? अब क्या होगा? गाड़ी कब ठीक होगी? मैं पूछती हूँ ये गाड़ी कब ठीक होगी? माला, कहाँ जा रही हो? माला उधर मत जाओ, उधर तुम्हारी जान का खतरा है। तुमसे बढ़कर खतरा कोई नहीं होता था मेरे लिए। माला, ये तुम्हारा बहन है माला, तुम्हारा दुश्मन कोई जरूर है लेकिन मैं नहीं। देखो जब तक मैं गाड़ी ठीक न कर लूँ तुम यहाँ से कहीं दूर मत जाओ। भगवान के लिए मेरा बना बनाया खेल मत बिगाड़ो माला। तुम्हारा काम बिगड़ जाए तो अच्छा है। माला, खामखा मत करो, अपने साथ साथ मुझे भी खतरे में मत डालो। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, समझे? तो तुम समझते हो मैं तुम्हारी जान का दुश्मन, तुम्हें मारना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो ये लो पिस्तौल और रखो अपने पास, और जब समझो कि तुम्हारी जान खतरे में तो चला देना मुझ पर गोली, लेकिन जब तक मैं गाड़ी ठीक न करूं यहीं खड़े। मनोहर नहीं, मेरा नाम शेखर। माला, अब तो तुम्हें यकीन है हमारा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो शेखर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। कहो तुमने मुझे माफ कर दिया, कहो। अब मैं क्या करूँ? माला, तुम्हें भी तुम यहां से भाग जाओ। नहीं भाग जाओ, नहीं भाग जाओ। शेखर, 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 चलाओ। Thank you.
कर देंगे, वही तो आपके प्रोफेसर है। हाँ हमारा साहब, ये लड़की झूठ बोलती है, इसने मेरे सामने झूठ उठाया था। हजूर झूठ? बिल्कुल झूठ हजूर, ये झूठ मेरे अब्बा हजूर ने दहेज में दिया था। आज ही हम लोगों का निकाह हुआ है। मगर ये खुद क्यों नहीं बोलता? यही तो मुसीबत है हुजूर, इधर इन्होंने जबान खोली, उधर आप कहना शुरू करेंगे कि ये लड़का नहीं लड़की है, क्योंकि इनकी आवाज बिल्कुल लड़कियों जैसी है और ऊपर से हकलाते भी हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं बेचारे बा बा बा। बात यह है हुजूर कि इसके अब्बा मियां ने, यानी कि मेरे फादर इन लॉ ने मुझे दहेज में पुराना सूट दिया। हाँ, पता नहीं किसका है, किसके नाप का है। देखिए ना, ये आस्तीन दिल्ली को जाती है, ये कलर कोलकाता को, और ये जेब लेकिन तू भागा क्यों था? मुझसे नाराज हो गए। जी हाँ हुजूर, मुझे मुझे ब्यूटीफुल वाइफ मिली, ये सॉरी यानी कि प्योर गोल्ड, और ये सूट एकमोल। इसलिए मैंने सोचा कि जब ये सूट पुराना है तो इसका दिल भी पुराना होगा, इसलिए मैं भाग निकला। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बीवी और ऐसे फादर इन लॉ। हाँ प्लीज, मेरा दिल टूट जाएगा। मेरा पीछा तो छूट जाएगा। भी ने रोकी तू भी जी, मेरी लव की किरित खराब हो रही, कुछ तो कीजिए। खान साहब। हाँ साहब। इसकी बातों पे जाओ ना साहब। ना साहब, ऐसा जुल्म मत कीजिए, अभी तो मेरी शादी के कागज की सियाही भी नहीं चुकी। हाँ 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 हाँ, इन्हें फ्लोटिंग पेपर दे दीजिए, खा लेगी। हाँ मगर मैं इनकी बात में नहीं जाऊंगा। तलाक, 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 मेरी दुनिया जल जाएगी। जहाँ सनम चुप रहिए, दिया तुम्हें दिल किसी से मत कहिए, ऐसे में जमाने को बताना नहीं चाहिए। चलेगा जहाँ सनम चुप रहिए, दिया तुम्हें दिल किसी से मत कहिए, ऐसे में जमाने को बताना नहीं चाहिए। चलेगा जहाँ सनम चुप रहिए। किसी से मत कहिए, ऐसे में जमाने को बताना नहीं चाहिए। चलेगा जहाँ सनम चुप रहिए। किसी से मत कहिए, ऐसे में जमाने को बताना नहीं चाहिए। चलेगा जहाँ सुनो चुप रहिए। तुझ पे जले
सवाल करते करते सुबह हो गई, लेकिन आपने एक भी बात का ठीक जवाब नहीं दिया। बोलिए, जवाब दीजिए, आपने मिस्टर मनोहर का खून क्यों किया? क्या वो वाकई आपका पति था? अगर पति नहीं था तो कौन था वो? आपकी जिंदगी का कौन सा ऐसा राज जानता था वो जिससे आप इतना डरती थी, जिस राज को छुपाने के लिए आपने उसका? मिस्टर साहब, आप इतना तो सोचिए, मैं उसका खून क्यों करती, किस लिए करती? इसलिए कि वो आपको ब्लैकमेल करना चाहता था। आपका पति बनकर आपके घर में दाखिल हो गया, मारे डर के आप पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट भी नहीं लिखा सकी। अगर वो जिंदा रहता तो आपका भेद खुल जाता। नहीं नहीं, ये सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। मैंने उसका खून नहीं किया, मैंने उसका खून नहीं किया। वो तो मुझे बचाना चाहता था इंस्पेक्टर साहब, वो तो मुझे बचाना चाहता था। लेकिन अभी तक तो आप कह रही थी कि वो आपको मारना चाहता था, क्या वो सच था या ये? बोलिए, जवाब दीजिए, बोलते क्यों नहीं? इंस्पेक्टर साहब, ये पिस्तौल जुहू में मुझे एक झाड़ी के पीछे मिला और इसमें सारी की सारी गोलियां मौजूद हैं।
अब तो मेरी बात का यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, पिस्तौल मेरे हाथ में जरूर था लेकिन लेकिन चलाने के लिए नहीं था। और किस लिए था? मैं उसे सिर्फ धमकाना चाहती थी। धमकाने के लिए आपने इस पिस्तौल का सहारा लेना पसंद किया, पुलिस की मदद नहीं मांगी, क्यों? हवालदार, फिंगर एक्सपर्ट कर दे जाओ इसे। मिस नैनतारा, आप थक गई होंगी, चाय मंगवा दूं? जी नहीं, शुक्रिया। पुलिस को एक नौजवान लड़की की तलाश है जिसका नाम मिस माला भल्लर, उसकी मां का नाम श्रीमती गीता भल्लर। बेचारी हॉस्पिटल में बीमार पड़ी, जिंदगी के आखिरी सांस गिन रही है और अपनी बेटी को मिलने के लिए तड़प रही है। तड़प रही है। ये सब बातें आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? ये सब बातें आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं माला भल्ला नहीं हूं, मेरी मां नहीं है, मैं बिल्कुल यतीम हूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माला, मिली ना अपनी मां से? मैंने कह दिया ना, ना मैं माला भल्ला हूं ना ये मेरी मां है। मेरी मां तो मिसेस भल्ला जी, यही है ना आपकी बेटी? जी नहीं, कौन ऐसी बेटी होगी जो बरसों के बाद मिले और तड़प कर अपनी मां की गोद में ना आए। तो सिर्फ एक ही अरमान है कि आंख बंद होने से पहले एक बार मैं अपनी बेटी को देख लूं। इंस्पेक्टर साहब, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाइए, कहीं से भी ढूंढ कर लाइए इंस्पेक्टर साहब। कॉन्टिन्यू तारा, हाँ मैं शेखर बोल रहा हूँ। देखो तुम ऐसा करो कि किसी तरह माला को अस्पताल भेज दो, उसकी माँ बहुत सख्त बीमार है, किसी भी तरह भेजने की कोशिश करो। हाँ हाँ, बहुत जरूरी है ये। थैंक यू। मिसेस भल्ला जी, यही है ना आपकी बेटी? जी नहीं, कौन ऐसी बेटी होगी जो बरसों के बाद मिले और तड़प कर अपनी माँ की गोद में ना आए। नैनतारा बहन, तुम इस वक्त यहाँ धुआं निकलते देखा, सोचा कहीं ना कहीं आग जरूर लगी है। मैं कुछ समझी नहीं, ये उदास चेहरा, आंखों से छलकता हुआ गम, इन्हें तुम कहां छुपाओगी? मैंने भी कभी गलती की थी और वो गलती मेरी जिंदगी का रोग बनकर रह गई है। गलती? हाँ, मैं अपनी मां से बिछड़ गई और उससे मिलने के लिए मुझ तो तड़पती रही, और एक दिन मेरी मां से मुलाकात हो गई, मगर हालात ऐसे पैदा हुए कि मैं माँ को माँ ना कह सकी और तकदीर ने उसे हमेशा के लिए मुझसे जुदा कर दिया। ये तुम मुझसे क्यों कह रही हो? इसलिए कि तुम भी बदतमीज़ हो। मगर मेरी कोई माँ नहीं, ना ही मैं सब जानती हूँ।
माँ के सामने तुमने माँ को माँ मानने से इनकार कर दिया। ममता का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? वो बेचारी क्या सोचती होगी, इसी दिन के लिए उसने 5 वर्ष का तुम्हें इतना बड़ा किया था और यही दिन देखने के लिए वो आज की चिंता है। भगवान ना करे अगर कल को उसे कुछ हो गया तो। तारा, भगवान के लिए ऐसा ना कहो, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है मगर माँ नहीं मिल सकती। अगर वो चली गई तो तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? रोगी, तड़पोगी, चिल्लाओगी मगर माँ नहीं मिलेगी। पागल ना बनो, अब भी वक्त है तारा, अब भी वक्त है तारा। माँ, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी कार चोरी हो गई। आपकी कार चोरी हो गई? जी हाँ। कहाँ से? मेरे घर के गैरेज से। थैंक यू। क्या नंबर है आपकी गाड़ी? BYN 2526। हेलो, यस पुलिस स्टेशन जी। क्या कहा? ओ आई सी। मिस्टर विश्राम। यस। कब चोरी हुई आपकी गाड़ी? यही कोई आधा घंटा हुआ। आधा घंटा पहले मशहूर डांसर मिस नैन तारा को कुछ जख्मी करके भाग गया है। नैन तारा को कोई जख्मी करके भाग गया? जी हाँ, वो भी आपकी गाड़ी से। मेरी कार से? जी। आप तो मुझे इस तरह गौर से देख रहे हैं जैसे मैंने ही नैन तारा को जख्मी किया है और मैं ही आपके पास रिपोर्ट करने चला आया। हर छोड़ दिए इन बातों को, पहले आप अपनी गाड़ी संभालिए। जू रोड पे पड़ी है। जू रोड पे पड़ी है? जी। बहुत अच्छा। हाँ, अलबत्ता मिस नैन तारा के होश आते ही अगर आपकी जरूरत पड़ी तो आपको बुलवा लिया जाएगा। बहुत अच्छा, मैं हर वक्त आपके लिए तैयार हूँ। थैंक यू। देखिए आपकी दाएं तरफ की पसलियों पर सख्त मार लगी है और हिप्पो पर भी चोट आई। होश में तो है? हाँ वैसे तो होश में है लेकिन हिल नहीं सकती और बातचीत भी नहीं। घबराइए नहीं, मैं उनसे पूछताछ नहीं करूंगा, यूं ही जरा देखने चला आया था। आई हवालदार, कोई अंदर ना आए। बिस्तर तो खाली है? अभी तो यही थी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। कौन हो तुम? मेरी माँ, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? किसे ढूंढ रही हैं आप? मैं मिसेज भल्ला को ढूंढ रही हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ। मेरी माँ कहाँ है? मिसेज भल्ला, डॉक्टर साहब बताइए मेरी माँ कहाँ है? बात ये है। हाँ, क्या बात है? क्या बात है डॉक्टर साहब बताइए। वो कल रात को मिस माला मुझे दुख है कि आप अपनी मां से भी न मिल सके। यह सब कुछ कभी ना होता
अगर आपने उस रोज हिम्मत करके सब कुछ सच सच कह दिया होता। मिस माला, आप पर लेडी हीरामणि के खून का इल्जाम है, मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, अगर इन्हें इस हालत में हॉस्पिटल से ले जाया गया तो इनकी जान जाने का डर है, क्योंकि आज इनका ऑपरेशन होने वाला है। आप शौक से इलाज कीजिए डॉक्टर साहब, जब तक ये चलने फिरने और बयान देने के काबिल ना हो सके यही रहेंगे, लेकिन पुलिस की हिरासत में। थैंक यू इंस्पेक्टर। सर आज आइए। अरे गुंगा, तुझे किसने कहा था कॉफी लाने के लिए? क्या हुआ, थोड़ी सी पी लूंगी। जी नहीं, ये लीजिए नींद की गोली और आराम से सो जाइए। ले जा कॉफी। इस इंजेक्शन से श्रीमान शेखर। शेखर, मेरा ख्याल है तुम इसे मारना चाहते थे। तुमने पहले भी कई दफा इसे मारने की कोशिश की, ये सब झूठ है। ना मैं इसे पहले मारना चाहता था ना आज। जो इसे मारना चाहता था वो यहां से भाग गया और वो तुम्हें यहां छोड़ गया, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। चलो
मालक, मालक तुम भी ये समझती हो कि मैं तुम्हें मारना चाहता था, ये इंजेक्शन मैं तुम्हें देना चाहता था। बोलो माला, बोलो। श्रीमान जो कुछ कहना है अदालत में कहना, चलो। माला, नर्स तुम ख्याल रखना मरीजा का। तो क्या शेखर? नहीं नहीं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। अरे ये मूंछें किसकी है? मूंछें देखो, शेखर ने सच कहा था। मिस्टर विश्राम, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मिस्टर शेखर मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। आपका शक किसी और पे है? शक? अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर विश्राम के बारे में आपका, मेरा मतलब है कि मिस्टर विश्राम किस प्रकार के आदमी हैं? पुलिस को उनके खिलाफ अभी तक कोई शिकायत नहीं। आपको? जी, मैं उनके बारे में कुछ जानना चाहती थी। मिस्टर विश्राम मेरठ के रहने वाले हैं, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, शहर के नामे वकील हैं और लेडी हीरामणि के भाई। लेडी हीरामणि के भाई? मिस नैनतारा, आप चौंक क्यों गई? जी कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, क्या ये मुमकिन नहीं कि आपकी तरह मिस्टर विश्राम को भी शक हो कि लेडी हीरामणि का खून मैंने किया है और वो बहन के खून का बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहते हो? हो सकता है। मिस नैनतारा, आप एक बात बताएंगी, आपको पता था कि लेडी हीरामणि ने कोई वसीयत की थी? जी नहीं। इसका मतलब है अगर आपको पता होता तो शायद ये खून ना होता। जी, मेरा मतलब है उन्होंने सारी जायदाद आपके नाम की थी। मेरे नाम? जी हाँ। इसका मतलब है मेरा अंदाजा गलत था, जो कुछ मैं समझ रही थी वो सब झूठ था। उसने खून नहीं किया था, उसने खून नहीं किया था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। इंस्पेक्टर साहब, असल में बात यह है कि मैं मेरठ में एक मालदार औरत लेडी हीरामणि की सेक्रेटरी थी। बेचारी अक्सर बीमार रहा करती थी। 26 सितंबर सन 57 की रात को जब मैं दवाई लेकर उसके कमरे की तरफ जा रही थी, को उसके वादे से मुकर मैं नहीं दूंगा। मैंने उसके भरोसे पर तुम्हारी मंगनी तय की और अब जब तुम्हारी शादी करीब आ रही है, वो अपनी सारी जायदाद धर्म खाते में दान कर देना चाहती है। इसमें जबरदस्ती की कौन सी बात है भैया? उनकी जायदाद है, वो चाहे जिसको दे। ये हमारी इज्जत का सवाल है माला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा। माला ने खून किया, माला ने खून किया।
इस वक्त साहब हमारी मालकिन की उनके सिगरेट ने खून किया है, वो दिखे जाने। चलो जल्दी पीछा करो। वालों की नजरों में मैं मर चुकी थी, मुझे नई जिंदगी गुजारने का मौका मिल गया और मैंने उसका पूरा पूरा फायदा उठाया। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। आज तक मैं सोच रही थी ये खून मेरे भाई ने किया था, उसे बचाने के लिए मैंने जानबूझकर ऐसे ऐसे निशाने छोड़ दिए थे जिससे पुलिस मुझे कातिल समझे। तो अब आप अपने भाई को निर्दोष समझते हैं? जी हाँ। शक किस पे? मिस्टर विश्राम पर। क्यों? उन्होंने जायदाद के खातिर खून किया और जब उन्हें पता चला कि वो जायदाद मेरे नाम पे है तो मैं भी उन्हें खटकने लगी। ये आपका अंदाजा है, इसके अलावा और भी कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ है। क्या? मिस्टर विश्राम को बुलाइए, सब कुछ पता चल जाएगा। हवलदार, मिस्टर विश्राम, मिस नैनतारा आपसे कुछ पूछना चाहती है। फरमाइए। मिस्टर विश्राम, उस रोज मैं आपकी गाड़ी से जख्मी हुई और आप मुझे उसी हालत में छोड़ के चले गए। मैडम, आपको गलतफहमी हुई। एक्सीडेंट जरूर मेरी कार से हुआ, मगर मैं कार में नहीं था, मेरी कार तो चोरी हो गई थी। आप गाड़ी में नहीं थे, मैंने खुद देखा आप ही ड्राइव कर रहे थे। आप मेरी तोहीन कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं। झूठ बोल रही हूं? खैर झूठ ही सही। क्या आप ये बता सकते हैं हॉस्पिटल में आप मेरे कमरे में क्यों आए थे? हॉस्पिटल में? आपके कमरे में? जी हाँ। वहां भला मेरा क्या काम? इंस्पेक्टर साहब, मैंने गाड़ी में भी इनको देखा था और हॉस्पिटल में भी। आप झूठ बोल रही हैं, सरासर झूठ बोल रही हैं। झूठ? मिस नैनतारा, मिस्टर विश्राम झूठ बोल रहे हैं तो उसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत? सबूत है इनकी नकली मूछें। ये क्या मतलब है? आपने मुझे यहां इसलिए बुलाया था कि इनसे मेरी बेइज्जती कराएं? याद रखिए, मैं इस बेइज्जती का बदला इनसे और आपसे कोर्ट में लूंगा। मिस नैनतारा, अब आपको क्या कहना है? इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो कुछ भी कहा सच सच कहा, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने जो कुछ भी कहा सच सच कहा। अब ये देखिए, ये मुझे हॉस्पिटल में मिली, मेरे समझ में कुछ नहीं आता कि मेरी समझ में आता है क्या? यही क्या आप अपने भाई को बचाना चाहते हैं?
आपका भाई कहां है? नहीं, नहीं, मेरे भाई ने खून नहीं किया, मेरे भाई ने खून नहीं किया, खून खून मैंने किया इंस्पेक्टर साहब, खून मैंने किया, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, खून मैंने किया, खून मैं, खून मैंने किया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने गाड़ी में भी इनको देखा था और हॉस्पिटल में भी। आप झूठ बोल रही हैं, सरासर झूठ बोल रही हैं। मिस नैनतारा, मिस्टर विश्राम झूठ बोल रहे हैं, तो उसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत? सबूत है इनके नकली मूछे। ये क्या बदतमीजी है? अभी गया था और अभी आया? हाँ, मैं कुछ भूल गया था। ठहरो, अगर खैरियत चाहती हो तो सच बताओ, शिवराम कहाँ है? मैं कहता हूं बता दो, अभी नहीं बताएंगे? क्या हो गया था तुम्हें? भैया, ये वक्त इन बातों का नहीं है, भूल जाओ वो सब। और तुम? मैं कैसे भूल सकता हूँ माला, मेरी जरा सी गलती से तुम्हारी ये हालत हो गई। मैंने जानबूझकर तुम्हें मौत के हवाले कर दिया है माला। भैया, भैया तुम सुखी रहो, यही मेरी आरज़ू है। भैया वक्त जाया मत करो, जल्दी से भाग जाओ। भाग जाऊं मैं? पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, वो किसी भी वक्त यहाँ आ जाएगी। भैया तुम चले जाओ। पुलिस मुझे ढूंढ रही है? मगर क्यों, किस लिए? भैया मैंने पुलिस के सामने तुम्हारा नाम ले दिया है, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर। कोई बात नहीं माला, अगर मेरी मौत से तुम्हें जिंदगी मिल सकती है, रोशनी मिल सकती है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। ना मैं पुलिस में रिपोर्ट करता, ना तुम्हारी यह हालत होती। रिपोर्ट? काश मुझे ये मालूम होता तो उसी वक्त इल्जाम अपने ऊपर ले लेता, बड़ी खुशी से ले लेता। मुझे क्या मालूम था कि यह खून तुमने किया है? मैंने? भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? तो क्या ये खून तुमने नहीं किया? मैंने? हाँ? पागल हो गई हो क्या? लेकिन मैंने खुद उस रात को तुम्हें लेडी हीरामानी के कमरे से निकलते देखा। तुम परेशान थे, भाग रहे थे, आखिर क्यों? भाग तो इसलिए रहा था कि मैंने लेडी हीरामणि की लाश देखी थी और मैं पुलिस को रिपोर्ट करने जा रहा था और गया। मैं समझी कि ये खून तुमने किया है और तुम्हें बचाने के लिए मैंने जानबूझकर ऐसे ऐसे निशाना छोड़ दिए थे ताकि पुलिस मुझे पकड़े, मुझे कातिल समझे और मेरा भाई बच जाए। जानबूझकर निशाना छोड़ दिए थे माना? मेरी बहन, ये तुमने क्या किया? चार बरस तक पागलों की तरह भागती रही, आखिर इतना तो सोचा होता कि मैं खून करता तो क्यों, किस लिए? मैं लेडी हीरामणि से शिकायत थी ना कि उसने मुझे जायदाद में से कुछ नहीं दिया, मैंने सोचा शायद तुमने। उस बिचारी ने तो सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी थी, मुझे उससे क्या शिकायत हो सकती थी? लेकिन मुझे शिकायत है।
मैं खुद जापान गया। अब मेरी समझ में आया कि पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। कानून की किताबें पढ़ते पढ़ते भाई पर गोली चलाना भी सीख गए हो। मैं तेरा भाई हूं, इस एहसास से मेरा सर शर्म से छुप जाता है। अच्छा होता कि तू पैदा होते ही मर जाता। तेरे ये मनुष्य हाथ मासूम हीरामणि के खून से रंगे हैं। अब उसकी जायदाद की वारिस माला भल्ला को मारना चाहता है, इसलिए कि वो जायदाद तुझे मिल जाए। फिर कहां जाता है? अपने आप को मेरे हवाले कर दो वरना गोली मार दूंगा। कि हम शक्ल होने का
Congratulations, Inspector Shekhar. Well done. Thank you. Well done, Mr. मैं आपसे माफी चाहता हूं। आपकी जान बचाने के लिए मुझे जबरदस्ती आपका पति बनना पड़ा, वरना हो सकता था शिवराम आपकी जायदाद के खातिर आपका खून कर डालता। आप अभी तक मुझसे नाराज हैं क्या? माफ नहीं किया मुझे।